बुलंदशहर में कुत्ते की आवाज सुनकर करते थे चोरी। बुलंदशहर पुलिस ने चोरों का एक ऐसा अंतर्राज्य गैंग पकड़ा है जो घरों में कुत्ते की आवाज सुनकर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों से नकदी, अवैध असलहे और कार भी बरामद की। एसपी सीडी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि 22 नवंबर को काला आम चौराहे पर कोतवाली नगर पुलिस स्वाट और क्राइम ब्रांच चेकिंग कर रही थी। सूचना मिली कि गुलवठी की ओर से काला आम की साइड कार सवार 4 बदमाश शहर में वारदात की मंशा लेकर आ रहे हैं। कुछ देर बाद पुलिस ने डीएम रोड की ओर रुख किया और मुखेड़ा फाटक से पहले रुक गई। पुलिस टीम को एक कार आती दिखाई दी। पुलिस ने घेराबंदी कर तड़के 4:15 बजे कार सवार चारों बदमाशों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बदमाशों के कब्जे से चोरी किए गए गहने, 1,82,000 रुपए नगद, मारुति कार, 2 तमंचे, 6 कारतूस, 1 चाकू, 1 पेचकस, 1 रॉड बरामद की है। एसपी सिटी के मुताबिक चोर गैंग का फोकस उन घरों में रहता था जो परिवार घर में कुत्ता छोड़कर बाहर चले जाते थे। ऐसे घरों की रैकी करने के बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था। बता दें कि पुलिस की गिरफ्तारी में आए 4 में से 3 बदमाश वह है जो 22 नवंबर की मुठभेड़ में फरार हो गए थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी जसवीर और रमाकांत ने बताया कि 4 अक्टूबर को अंबा कॉलोनी में ठाकुर विनोद के मकान का ताला तोड़कर 2.50 लाख रुपए सोने चांदी के गहने चोरी किए थे। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि बीती रात में हमारे एसएसआई कोतवाली सतवीर सिंह भूड़ चौराहे के पास स्वाट टीम जो हमारी है उसके लोगों से मिले, तो स्वाट टीम वालों ने बताया कि उनके पास ऐसी सूचना है कि 3-4 लोग एक मारुति कार से गुलावटी की तरफ से आने वाले हैं जो कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चोरी की वारदात करते हैं बंद मकानों में ताला तोड़ के। इस सूचना पर संयुक्त रूप से दोनों टीमें हमारी मऊखेड़ा फाटक पर लगी। फाटक बंद था, वहाँ इनकी कार रुकी तो इनको घेराबंदी करके पकड़ा गया। इसमें से पूछताछ करने पर एक अभियुक्त का नाम जसवीर है, दूसरा बीरेंद्र कुमार है, तीसरा रमाकांत है और चौथा लकी है। ये सभी लोग लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं और अपना ये अंतर्राज्यीय गैंग है जो प्रदेश के विभिन्न कोनों पर, कभी उत्तराखंड में, कभी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ये बंद मकानों में चोरी की वारदात करते हैं। इसमें एक बात मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि जिन मकानों पर अटेम्प्ट करते हैं ताला बंद रहता है लेकिन उस मकान में कुत्ता जरूर होता है, ऐसे मकानों को टारगेट करते हैं। इनके पास जब तलाशी ली गई तो इनके पास से लगभग 1,82,000 रुपया नकद, 3 सोने की अंगूठी, 2 जोड़ी चांदी की पाजेब और एक मारुति कार जिससे लोग आए थे 800, 2 तमंचे, 6 कारतूस और 1 चाकू बरामद हुआ। पूछताछ करने पर इन लोगों ने बताया कि बुलंदशहर से यतीन खत्री की रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज़, बुलंदशहर।